Hi viewers, good morning. This is NJ here. Welcome to English class. Let's view the use of don't. Guys and girls, assalamu alaikum. Aaj hum don't ke istemal ki practice karte hain. Ye English speaking mein bahut zyada mustamil hai aur isse jumle banaye jate hain aur unka istemal daily speaking mein kiya jata hai. Aaiye inhe dekhte hain. Let's have a look up here. First one is don't disturb him. Don't disturb him. Don't disturb him. उसे परेशान मत करो. Don't disturb him. उसे परेशान मत करो. Viewers, आपने देखा कि पहला जुमला जो है don't disturb him. तो उसे परेशान मत करो. किसी को तनबीह करना हो, किसी को एडवाइस करना हो कि उसे परेशान मत करो. तो इंग्लिश में कहा जाता है डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब मी. तो इस तरह से ये जुमले बनते हैं. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज डोंट लेट हर डाउन. 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 उसकी हौसला शिकनी मत करो. डोंट लेट हर डाउन. उसकी हौसला शिकनी मत करो. ये भी एक एडवाइस है. डोंट लेट हर डाउन. उसकी हौसला शिकनी मत करो. डोंट लेट हिम डाउन. डोंट लेट हिम डाउन. उसकी हौसला शिकनी मत करो. डोंट लेट मी डाउन. डोंट लेट मी डाउन. मेरी हौसला शिकनी मत करो. तो इस तरह से इन जुमलों को बनाया जा सकता है. प्रोनाउंस आप चेंज कर सकते हैं. जिस पर्सन के हवाले से बात की जा रही है उसी के मुताबिक आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज दूसरों का मजाक ना उड़ाओ. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. दूसरों का मजाक ना उड़ाओ. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. दूसरों का मजाक ना उड़ाओ. ये भी इम्पोर्टेंट है कि दूसरों का बिला वजह जो है मजाक ना उड़ाइए. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. डोंट मेक फन ऑफ हिम. उसका मजाक मत उड़ाइए. डोंट मेक फन ऑफ हर. उसका मजाक मत उड़ाइए. डोंट मेक फन ऑफ मी. मेरा मजाक मत उड़ाइए. तो इस तरह से इससे स्पीकिंग में इंग्लिश बोलचाल में जुमले बनाए जा सकते हैं. तो ये भी एडवाइस है. डोंट मेक फन ऑफ अदर्स. दूसरों का मजाक ना उड़ाओ. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज डोंट गो फार अहेड. डोंट गो फार अहेड. डोंट गो फार अहेड. ज़्यादा आगे मत जाइए. डोंट गो फार अहेड. ज़्यादा आगे मत जाइए. ये रोड्स के हवाले से है, कम्युनिकेशंस के हवाले से है, ट्रैफिक के हवाले से है. बाज़ दफ़ा रोड्स पे किसी भी वजह से सूरत हाल आगे क्लियर नहीं होती, डेंजर होता है, तो वहाँ पे रोड साइंस रखे हुए होते हैं. डोंट गो फार अहेड. ज़्यादा आगे मत जाइए. डोंट गो फार अहेड. इसी तरह पार्क्स हैं या और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट साइट्स हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे अक्सर ये कॉशन होता है, वार्निंग होती है कि डोंट गो फार अहेड. आगे डेंजर है, ज़्यादा आगे मत जाइए. तो ये कॉशन के तौर पे ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है. डोंट गो फार अहेड. ज़्यादा आगे मत जाइए. इसी तरह सी साइड पे लोग सी की सैर पे जाते हैं तो पानी में चले जाते हैं, तो वहाँ भी ये कॉशन होता है कि डोंट गो फार अहेड. ज़्यादा आगे मत जाइए क्योंकि पानी गहरा होता है और किसी अनहोनी नागहानी का चांसेस होते हैं. तो इसलिए ये कॉशन के तौर पे ये फिक्रा जो है ये स्पोकन में इस्तेमाल किया जाता है. डोंट गो फार अहेड. डोंट गो फार अहेड. डोंट गो फार अहेड. ज़्यादा आगे मत जाइए. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज डोंट अब्यूज अदर्स. डोंट अब्यूज अदर्स. डोंट अब्यूज अदर्स. दूसरों को बुरा भला मत कहिए. डोंट अब्यूज अदर्स. डोंट अब्यूज अदर्स. दूसरों को बुरा भला मत कहिए. डोंट अब्यूज अदर्स. दूसरों को बुरा भला मत कहो. डोंट अब्यूज अदर्स. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एडवाइस है, कॉशन है. डोंट अब्यूज अदर्स. दूसरों को बुरा भला मत कहो. डोंट अब्यूज हिम. उसे बुरा भला मत कहो. डोंट अब्यूज हिम. उसे बुरा भला मत कहो. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. ये उसकी गलती नहीं है. डोंट अब्यूज हर. उसे बुरा भला मत कहिए. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. ये उसकी गलती नहीं है. डोंट अब्यूज मी. मुझे बुरा भला मत कहिए. इट्स नॉट माई फॉल्ट. ये मेरी गलती नहीं है. तो ये भी एक
एडवाइस है और कॉशन है कि दूसरों को बुरा भला मत कहो, डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को बुरा भला मत कहो, डोंट अब्यूज हिम, उसे बुरा भला मत कहो, डोंट अब्यूज हर, उसे बुरा भला मत कहो, डोंट अब्यूज मी, मुझे बुरा भला मत कहिए। तो ये एडवाइस के तौर पे होता है। आइए अगला जुमला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, सबर का दामन ना छोड़िए, डोंट लूज पेशेंस, सबर का दामन ना छोड़िए, डोंट लूज पेशेंस। किसी सैड न्यूज की वजह से आप, किसी बुरी खबर की वजह से, किसी सैड न्यूज की वजह से, किसी मिसहैप की वजह से जब आप परेशान होते हैं, वरीड होते हैं, तो उसमें आपको हौसले के लिए, तसल्ली के लिए, आपके आइसोलेशन के लिए, कंसोलेशन के लिए आपकी यह जुमला अक्सर कहा जाता है। दूसरों की कंसोलेशन के लिए, दूसरों को तसल्ली, कंसोल करने के लिए, तसल्ली देने के लिए जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, बेसब्री का मुजाहरा ना कीजिए, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िए, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िए, डोंट लूज पेशेंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा मुस्तमिल है स्पीकिंग में। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। लास्ट वन इज डोंट लूज हैड, डोंट लूज हैड, डोंट लूज हैड, डोंट लूज हैड, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए। किसी टास्क की अचीवमेंट के लिए, किसी काम के अचीवमेंट के लिए आप अपनी स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और फिर आप अक्सर जो है वो नाउमीद होते हैं, डिसपॉइंट होते हैं कि शायद मैं ये अचीव कर सकूं या ना। तो उस डिसपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए ये जुमला बोला जाता है। डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हैट, डोंट लूज हैट, डोंट लूज हैट, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए। तो गाइज एंड गर्ल्स, इंतहाई इम्पोर्टेंट ये जुमले हैं। लेट्स हैव अ से वंस अगेन। आइए इन्हें एक बार फिर से दोहरा देते हैं। फर्स्ट वन इज डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे परेशान मत करो। नेक्स्ट इज डोंट लेट हर डाउन, डोंट लेट हर डाउन, डोंट लेट हर डाउन, उसकी हौसला शिकनी मत करो। नेक्स्ट इज डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। एंड नेक्स्ट इज डोंट गो फार अहेड, डोंट गो फार अहेड, डोंट गो फार अहेड, ज्यादा आगे मत जाइए, डोंट गो फार अहेड, ज्यादा आगे मत जाइए। नेक्स्ट वन इज डोंट अब्यूज अदर्स, डोंट अब्यूज अदर्स, डोंट अब्यूज अदर्स, डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को बुरा भला मत कहिए। एंड नेक्स्ट वन इज डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, सबर का दामन ना छोड़िए, डोंट लूज पेशेंस, सबर का दामन ना छोड़िए। एंड लास्ट वन इज डोंट लूज हैट, डोंट लूज हैट, डोंट लूज हैट, डोंट लूज हैट, हिम्मत ना हारिए। हे यू गाइस, मेक अ गुड प्रैक्टिस विद दिस स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस। सी यू अगेन, गुड बाय।